मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि द मोर और द मोर क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। द मोर का मतलब होता है जितना उतना, जैसे जितना आप पढ़ेंगे द मोर यू स्टडी, उतना आप सीखेंगे द मोर यू विल लर्न, यानी जितना आप पढ़ाई करेंगे उतना आप सीखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ दोनों पार्ट फ्यूचर में हो तो पहले वाले पार्ट में शैल या विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। जितना आप काम करेंगे उतना आप कमाएंगे, द मोर यू वर्क द मोर यू विल अर्न, यानी जितना आप काम करेंगे उतना आप कमाएंगे, जितना आप कोशिश करेंगे उतना आपको तजुर्बा होगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द मोर यू ट्राई द मोर यू विल गेट एक्सपीरियंस, यानी जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपको तजुर्बा होगा, जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा आपको टेंशन होगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द मोर यू थिंक द मोर यू विल हैव टेंशन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि द मोर का मतलब जितना और द मोर का मतलब उतना। और इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा जबकि दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होगा, यानी दूसरे वाले सेंटेंस को हम विल के मदद से ट्रांसलेट करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।